सीयूईटी का एग्जाम हो गया, आपका आंसर की आ गया, बस ओनली रिजल्ट आना बाकी है, वो भी आपके जल्दी सामने आ जाएगा। उससे पहले आपके सबके माइंड में चल रहे हैं कि आपने आंसर की से मैच कर लिया, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि आईसीआर का क्या कट ऑफ जाएगा एग्रीकल्चर बीएससी के लिए, हॉर्टिकल्चर बीएससी के लिए, ठीक है, और भी जो भी मतलब आईसीआर एग्रीडेट कोर्स चलते हैं कितने नंबर पर मिलेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एसएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईसीआर 2023 की एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या जाएगी, ठीक है, किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ जाएगी, सारी कैटेगरीज वाइज अलग अलग डिस्कस इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए क्या कट ऑफ जाएगा, हॉर्टिकल्चर के लिए क्या कट ऑफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फॉरेस्ट्री है, बीटेक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, जितने भी जो आपके कोर्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, आपके कितने नंबर आ रहे हैं तो फाइनली आपका आईसीआर में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन रहते हैं, डेली बहुत सारे मैसेज भी आते हैं, तो आज इस वीडियो में आपकी ये सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। अभी तक आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आईसीआर के रिजल्ट से लेकर कॉलेज में जाने तक हेल्प करने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो सटीक आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देगा। एसएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर को फॉलो करें, आपकी हर इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम दूर होती जाएगी, ठीक है। अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी, तो ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है। अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आईसीआर में कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन होगा। देखो सीयूईटी का एग्जाम दे दिया, ठीक है, कुछ थोड़ी बेसिक चीजें बता देता हूं कि आपका पेपर था 600 नंबर का, ठीक है, चाहे आपका 12th में एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री है, चाहे आपका पीसीबी है, चाहे आपका पीसीएम, ठीक है, चाहे आपका PCA, ये कॉम्बिनेशन जो आपका 12th में सब्जेक्ट होगा उसी के नंबर आपके आईसीआर में जुड़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं कि हमने जनरल से जनरल टेस्ट दिया है उनके नंबर ऐड होंगे नहीं होंगे, तो दोस्त एक बात ध्यान रख लेना, आईसीआर के नंबर आपका जो 12th में सब्जेक्ट था चाहे एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री था तो नंबर उनके ही ऐड होंगे, चाहे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था तो उनके ही होंगे। ऐसे नहीं है जो जिन्होंने 12th में पीसीबी था और एग्रीकल्चर से पेपर दे दिया तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बार का रूल है वो चेंज हो गया। तो आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब मैं बात बता देता हूँ कि आपके सीयूईटी में कितने नंबर आ रहे हैं तो बेसिकली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में मैं डिस्कस करूँगा रैंक वाइज कि इस रैंक पर आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, ठीक है। वैसे आईसीआर रैंक कार्ड रिलीज करेगा, आपका रिजल्ट आने के बाद में पूरा मतलब जो आपका रिजल्ट है वो आईसीआर को सौंप देगा, ठीक है। आईसीआर क्या करेगा, अपना रैंक कार्ड रिलीज करेगा, मतलब कितने, मान लो 1,00,000 स्टूडेंट था पार्टिसिपेट थे आईसीआर के एग्जाम में, ठीक, मतलब सीयूईटी का एग्जाम आईसीआर को फिल करके दिए हैं, तो 1,00,000 स्टूडेंट का आईसीआर रैंक कार्ड रिलीज करेगा, ठीक है। रैंक कार्ड रिलीज करने के बाद में आईसीआर अपना शेड्यूल जारी करेगा कि इस टाइम आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, इस टाइम आपका रिपोर्टिंग होगा, सारी चीज़ें अपना शेड्यूल बनाएगा, उसके बाद में आपका काउंसलिंग स्टार्ट किया जाएगा। मे बी आईसीआर का काउंसलिंग है वो अगस्त में होगा, जुलाई में पॉसिबल नहीं है, अगस्त स्टार्ट में आपका काउंसलिंग है आईसीआर का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूँ कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है, रैंक वाइज भी बताऊंगा और रैंक किस नंबर पे कौन सी रैंक आएगी वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा बिलीव उन बंदों पे करें जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो बीए का बंदा है वो जाके बीएससी एग्रीकल्चर का कट ऑफ बताता है, ठीक है। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे ऐसे भटकाने वाले लोग मिलेंगे जिनको बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में कुछ पता नहीं है, जिन्होंने कभी आज तक आईसीआर का एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है, और उनको आईसीआर के बारे में कोई पता नहीं है, वो भी आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं, तो उनसे दूर रहे, थोड़ा बच के रहिए और ट्रस्टेड आदमी पे थोड़ा बिलीव करें, ठीक है, ताकि आपको भी इन फ्यूचर हेल्प होने वाली है, और आपको है ना आप ऐसे लोगों पे भरोसा करोगे कि आपको कॉलेज अच्छे नंबर होने पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको कोई नॉलेज नहीं होता है, उनको ये पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी कहां पे है, तो थोड़ा भरोसा उस पे करें जो आपको कुछ अच्छी चीजें सिखा सके, ठीक है। अब देखो आपके नंबर अगर 300 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपका फॉरेस्ट्री है 300 प्लस, मे बी आपका अभी रिजल्ट आने के बाद में काफ़ी कुछ चेंजेबल मिलेगा। मान लो कि 320 प्लस नंबर हैं तो आपको फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर कोई सा कोई ब्रांच मिलने के पूरे पॉसिबिलिटी है, लेकिन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की मैं बात करूं तो मे बी 350 प्लस अगर आपके नंबर होंगे, 380 के समथिंग मैंने बीएससी एग्रीकल्चर के लिए पहले ही बताया था, जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए वो जाएगा। आप 350 प्लस सैप स्कोर मान सकते हैं, अगर 300 प्लस आपका सैप स्कोर है, अगर आप ओबीसी एससी एसटी मतलब किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, 300 आपका मतलब स्कोर हैं तो
जो आप डेफिनेटली सेफ जोन में है, ठीक है। अब भाई सेफ जोन में हैं तो सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा, तो सिलेक्शन के लिए भी अभी मैं आगे आपकी रैंक वाइज कट ऑफ डिस्कस करूंगा। सो आप इतना मान ले कि जिनके भी 300 प्लस नंबर हैं तो वो एकदम सेफ हैं, उनको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका कहीं ना कहीं आईसीआर में लास्ट राउंड तक सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आपको विश्वास है तो आपका ये सपना जरूर साकार होगा, ठीक है। उनके लिए पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, और भी आपको अच्छी कॉलेज दिलाने में हेल्प होगी। आपके थोड़े नंबर कम आ रहे हैं, डेफिनेटली आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए भी हमने पेड काउंसलिंग मतलब बना रखी है, ठीक है। तो आप ICR की पेड काउंसलिंग है, या फिर आपने जो भी JET स्टेट लेवल का एग्जाम दिया है उनका पेड काउंसलिंग आप ज़रूर ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो पेड काउंसलिंग आपको कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप WhatsApp ग्रुप में या पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जितनी भी जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ये नीचे नंबर दे रखें। आप JET की या फिर ICR की जो भी काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी फीस ओनली 299 रुपीज़ है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। लास्ट ईयर की मैं कहानी बता देता हूँ कि लास्ट ईयर मेरे पास में पेड काउंसलिंग 50 स्टूडेंट थे, उनमें से 48 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, और बहुत हायर रैंक के स्टूडेंट थे, ऐसे नहीं थे सारे टॉपर थे, मतलब 10,000 रैंक तक के स्टूडेंट का हॉर्टिकल्चर में सिलेक्शन हुआ है। तो आप बिलीव कर सकते हैं, और पेड काउंसलिंग को आप जरूर ज्वाइन करें क्योंकि आपको इसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है और ज्यादा फीस भी नहीं है, ठीक है। आप ऐसे लोगों का पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लोगे जो आपको हो सकता है 100 रुपए में देंगे लेकिन उनको ICR का कोई नॉलेज नहीं है, और जिनके पास नॉलेज है वो आपको 1,000-1,000 रुपए तक पेड काउंसलिंग दे रहे हैं। तो आप थोड़ा देख सकते हैं अपने हिसाब से, ज्यादा कोई फीस नहीं है, मे भी आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए जिसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली, ठीक है। अब मैं कट ऑफ के बारे में बात करता हूं, अगर आपको नीड हो तो आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। अब BSc एग्रीकल्चर की कट ऑफ के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। तो देखो BSc एग्रीकल्चर के लिए आपका जनरल कैटेगरी है, ठीक है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और BSc AG आपको ICR के थ्रू चाहिए तो आपके नंबर 380 प्लस होने चाहिए, और इनके लिए आपका रैंक है वो 4000 से 5000 के बीच में फॉर BSc AG के लिए, ठीक है। आपका अगर रैंक 4000 से 5000 के बीच में है तो डेफिनेटली आपको BSc एग्रीकल्चर मिल जाएगा, ठीक है। अब रैंक कैसे बनेगा, रैंक कार्ड कैसे आएगा, वो आपका जब भी ICR इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आएगा तो वो मैं चीज़ें आपकी एकदम क्लियर कर दूंगा। अभी आप इतना ध्यान रखें, देखो आपको जनरल कैटेगरी से BSc AG चाहिए तो आपका रैंक है वो 4 to 5K, ठीक है। OBC EWS का भी वही सेम कंडीशन मान सकते हो क्योंकि 4000 तक जनरल में मिलता है, ठीक है। OBC में ज़्यादा से ज़्यादा 5000 तक, लास्ट ईयर की कहानी ये है। थोड़ी चीज़ें मैं लास्ट में जब रिजल्ट आएगा उस टाइम आपके रैंक कार्ड के टाइम अच्छे से क्लियर करके बता दूंगा कैसे मिलेगा, और एक बहुत जल्दी वीडियो आएगा टॉप 10 यूनिवर्सिटी की कट ऑफ के बारे में, ठीक है। और SC ST कैटेगरी के बारे में बता देता हूँ तो BSc AG आपको 8000 रैंक तक भी मिल सकता है। लास्ट ईयर एक मेरा मतलब पेड काउंसलिंग का स्टूडेंट था, उनको लगभग 8,500 के समथिंग रैंक थी और उसको भी BSc एग्रीकल्चर मिल चुका है, ठीक है। तो आप थोड़ा बिलीव कर सकते हैं। अदर कैटेगरी का मतलब होता है आप फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हैं, ठीक है, या फिर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं जिसमें कोई भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी नहीं है फिर कैटेगरी से, तो उनमें क्या होता है कि आपका रैंक अगर 15 से 20 हज़ार के मतलब बात करूं मैं 15 से 20 हज़ार तक आपका रैंक है तो भी हो जाएगा, लेकिन फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के लिए लास्ट ईयर की मैं एक बात बताऊँ, लास्ट ईयर में एक पेड काउंसलिंग का स्टूडेंट था हमारे, तो उसका मतलब रैंक था लगभग 50,000 के समथिंग और उसको भी एग्रीकल्चर मिल गया। तो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है कि आपको सिर्फ एग्जाम दे के आना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। आप अगर एग्जाम दे के आए तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये चीज़ें किसके लिए थी, ये चीज़ें थी BSc एग्रीकल्चर के लिए, ये कट ऑफ मैंने एक्सेप्टेड आपको बता दी। अगर आपको BSc एग्रीकल्चर चाहिए तो आपका OBC जनरल EWS के अंदर ऑल ओवर रैंक 5000 के अंदर आना चाहिए कैटेगरी रैंक, अगर आपकी ये कैटेगरी है तो, ठीक है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी रैंक है वो 8000 तक होनी चाहिए, 8000 के अंदर रैंक होगी तो आपको BSc एग्रीकल्चर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, उनके लिए तो आपका रैंक अगर 10,000 के अंडर है, ठीक है, 10,000 के अंडर है तब भी आपको कोई ना कोई BSc AG का मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्स मिल जाएंगे, या तो आपको हॉर्टिकल्चर है या फॉरेस्ट्री वगैरह ये कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप ICR एग्रीडेशन कोई भी कोर्स देते हो तो मे बी इन फ्यूचर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं आगे क्या होना चाहिए, BSc एग्रीकल्चर करने के बाद क्या हो, वो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आपने HCL ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर पर बिलीव किया है तो डेफिनेटली आपको सही
रास्ता मिलेगा, सही चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, ये चीज़ें टाइम टू टाइम हम आपको बताते रहेंगे। आपको कोई भी हेल्प की नीड हो तो आप पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और भी कोई आपके डाउट्स हो, अगला वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें जिन्होंने सीयूटी 2023 का एग्जाम दिया है। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आपने सीयूटी 2023 के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, वहां लगभग 400 के समथिंग स्टूडेंट ऐड हुए हैं, आप भी उसमें साथ ऐड हो सकते हैं, जिनमें आपको टाइम टू टाइम अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो वहां पे मिलती रहेगी। ठीक है, बाकी हर चीज़ें आपकी टाइम टू टाइम क्लियर होती जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे SCL ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।